मैं हूं ज्योति आली मध्य प्रदेश से, आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत फूल इंट्रोड्यूस कराने वाली हूं। थोड़ी सी एनर्जी डाउन है, तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, उसके लिए माफ़ी चाहूंगी। फूल तो खूबसूरत है ही, इसके साथ ही इसके लीव्स की वजह से भी ये बहुत ही लोकप्रिय है। आइए चलते हैं अपने वीडियो में, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप लोग ना वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करें। लाइक और कमेंट करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिलता है, मेरा हौसला दुगना होता है, मुझ पर जोश आता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक जरूर किया करें, कमेंट कर दिया करें। और रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो मेरी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनकर उसको बड़ा बनाने में मेरा सहयोग करें। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। खूबसूरत पौधे के फूल भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं, डार्क पिंक कलर के छोटे छोटे फूल गुच्छों में खिलते हैं। इसके फूल बड़े ही खूबसूरत कलर के होते हैं, और साथ ही देखिए ना कितने खूबसूरत पत्तियां हैं, शेडेड पत्तियां होती हैं इसकी, ऊपर से बिल्कुल डार्क और नीचे से डार्क पर्पल कलर की पत्तियाँ होती हैं। दोस्तों ये खूबसूरत फूल है चाइनीज फ्रेंच फ्लावर, जिसका साइंटिफिक नाम है लोरोपेटेलनम। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। तो आज मैं इसी प्लांट की फुल केयर, इसकी मिट्टी, खाद, पानी, सनलाइट और इसके प्रोपोगेशन की बात करूंगी। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और आपको ये पौधा इतना पसंद आएगा ना कि अंत में आप इसे नर्सरी से जाकर जरूर खरीदेंगे और अपने गार्डन में ऐड करेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले इसका नेचर जान लेते हैं। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और समर इसका फ्लावरिंग सीजन होता है। ये एक झाड़ी नुमा पौधा होता है, यानी कि झाड़ी की शेप में बढ़ता है और इसकी हाइट 1 फीट से लेकर 3-4 फीट तक हो जाती है। इस पौधे का ना गार्डन में मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो सारा कुछ मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगी। पहले जान लेते हैं कि इसे किस प्रकार की मिट्टी में लगाया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसे हमेशा वेल ड्रेन मिट्टी में लगाना चाहिए। आप जब इसकी मिट्टी तैयार करें तो 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट रिवर सैंड, वर्मी कंपोस्ट, 1 पार्ट थोड़ी सी नीम खली, इन सब का एक बहुत अच्छा सा मिक्सचर सॉइल तैयार करें और इसे उसमें लगाएं। मेरा ये पौधा छोटा है, मैंने इसे 9 इंच के गमले में लगाया है। पानी की बात करें दोस्तों तो इस पौधे को सौगी मिट्टी पसंद नहीं है, यानी कि ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, लेकिन हाँ इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए, यानी मिट्टी में नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए, तब ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है और काफ़ी दिनों तक चलते हैं। मेरे गमले की मिट्टी देखिए, ये इसमें नमी बनी हुई है, ऊपर से ड्राई है लेकिन अंदर से इसमें मॉइस्चर है। आज मैं अपने पौधे को फर्टिलाइज़ करने वाली हूँ, तो आप लोगों को साथ साथ दिखाती भी जाऊँगी कि इसे कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। तो दोस्तों मैं इसे साल में 2 बार फर्टिलाइज़ करती हूँ, 1 बार सितंबर में और फरवरी में। मेरा ये गमला रूट बाउंड नहीं है, वरना मैं इसकी रिपोर्टिंग करती और फिर इसे उस सॉइल मिक्सचर में अच्छी मात्रा में खाद देती, लेकिन मैं इसे सिर्फ आज फर्टिलाइज़ करूँगी। तो उसको करने के लिए क्या करना है, गमले की मिट्टी को आप इस तरह से निकाल लें, कम से कम इतनी 4-5 इंच, और इसके बाद में इसमें मैं दूंगी वर्मी कंपोस्ट। मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है, आप काउडंग फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, लीफ कंपोस्ट भी दे सकते हैं। तो इस तरह से सारी मिट्टी में अच्छी तरह से निकाल लूँगी। ये है वर्मी कंपोस्ट, मैं 2 मुट्ठी के करीब गमले के रिम के किनारे किनारे आप ऐसे करके दे दें और इसको ये इस तरह से मिक्स कर दें, किनारे किनारे देना है, सेंटर में नहीं देना है, ऐसे किनारे किनारे देना है ये, और अच्छी तरह से इसको ऐसे करके मिक्स कर लेंगे। और जो गमले से आपने मिट्टी निकाली हुई है इसको फिर से इसमें फिल कर दें। आपके सभी प्लांट्स को फर्टिलाइज करने का ये सबसे आसान और बेस्ट तरीका है, इससे
इससे प्लांट को कोई नुकसान भी नहीं होता है, इससे फर्टिलाइज़र भी मिल जाता है और बढ़िया चलते हैं। और अब इससे पानी दे देना है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सनलाइट की। सनलाइट की बात करें दोस्तों तो ये सन लविंग प्लांट है, बट इसे मॉर्निंग की 3-4 घंटे की धूप मिल जाए तो इसके लिए सफिशेंट होता है। फूल खिलने के बाद तो बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, वरना इसके फूल मुरझा जाते हैं और जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अब प्रोपोगेशन की बात की जाए दोस्तों तो ये कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है। और हाँ, समय समय पे इसकी जितनी अधिक आप प्रूनिंग करेंगे उतनी अधिक ब्रांचेस निकलेगी और उतनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी। अब बात कर लेते हैं इसमें लगने वाली बीमारी की। यूँ तो दोस्तों ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट है और एक बार फ्लावरिंग करने के बाद भी आपके गार्डन में चलता रहता है, अपनी पत्तियों से खूबसूरती बढ़ाता रहता है। मैंने अभी तक इसमें कोई भी डिज़ीज़ नहीं देखी है। हाँ, यदि आपको ऐसा कभी कुछ प्रॉब्लम नज़र आए तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अपने गार्डन में इसे मल्टीपल तरीके से कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। दोस्तों ये एक झाड़ी नुमा प्लांट है और हेज फैमिली से बिलोंग करता है। इस खूबसूरत प्लांट का ना हेज बहुत सुंदर बनता है। आपके पास में लॉन है और बैकयार्ड गार्डन है, ज़मीन पे आपने बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा गार्डन बनाया है, तो उसमें बॉर्डर इसका क्रिएट करें, बड़ा ही खूबसूरत लगता है। यानी कि हेज के रूप में जो बॉर्डर बनाया जाता है ना, बड़ा ही खूबसूरत लगता है। क्योंकि इसकी खासियत यही है कि ये हेज प्लांट की फैमिली से बिलोंग करता है और ये झाड़ी नुमा पौधा है, झाड़ी की शेप में बढ़ता है। तो एक यूज़ हो गया, आप इसे अपने गार्डन में बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, इसका बोनसाई भी बहुत खूबसूरत बनता है। इसका शेप देखिए आप, नीचे से यदि इसका ट्रंक मोटा होते जाएगा और ऊपर से उसकी एक ऐसी कैनेपी आप बना दें, बड़ा ही खूबसूरत लगता है। मैं लास्ट ईयर गई थी नर्सरी में और मैंने, सच मानिए, फूल खिले नहीं थे, मैंने पत्तियों की वजह से ख़रीदा था और फिर मैंने इसके अपने तरीके से केयर करी और रिज़ल्ट आप देख ही रहे हैं कि ढेर सारे फूल खिले हुए। तो मेरा मन किया मैं आप लोगों से अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो देखिए कितना खूबसूरत है, लग रहा है ना खूबसूरत। तो अपने आप को रोकिए मत, आपके आसपास की नर्सरी में यदि मिलता है तो आप इसे अपने गार्डन में जरूर ऐड करें। इसका रेट भी ज़्यादा नहीं है, डिपेंड करता है आपकी नर्सरी और आपके एरिया में। ये तो मुझे सिर्फ 80 रुपीज़ का छोटा सा प्लांट मिला था और जब मैंने इसकी शॉपिंग की थी तब आप लोगों से शेयर भी किया था। तो जी दोस्तों, चाइनीज़ फ्रिंज फ्लावर्स कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक फैमिली को ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसा करने से लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सही वक्त पे मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।